हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं क्लास 9 का 5.7 का कुछ महत्वपूर्ण सवाल बनाने जा रहा हूं। आप इसे अच्छी तरह से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि x इज इक्वल टू दिया हुआ है x बराबर 3t और y बराबर दिया है 2t बटे 3 माइनस 1, ये दे दिया है। और कहा गया है कि t का मान निकालो यदि x बराबर 3y हो। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 3y है ना, या x के जगह पर बैठा देंगे 3t इज इक्वल टू 3 इंटू y के जगह पर बैठा देंगे 2t बटे 3 माइनस 1। 3 को यहीं पे काट देते हैं तो t बराबर इधर अगर भिन्न का जोड़ कर देते हैं तो 2t माइनस 3 हो जाता है। क्रॉस गुना अगर करेंगे तो आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 2t माइनस 3 या 3t माइनस 2t बराबर माइनस 3 या t इज इक्वल टू माइनस 3। अतः t बराबर माइनस 3 रखने पर क्या हो जाएगा कि x बराबर 3y हो जाएगा, अर्थात t बराबर माइनस 3। और यही आ गया आंसर, क्योंकि हमको t का मान पूछा गया है, t का मान हमने निकाल दिया। अब दूसरा देखेंगे सवाल। तो दूसरा सवाल में क्या दिया हुआ, सवाल देखिए, हम यहां पे उतार लेते हैं 2 नंबर का सवाल को। क्या है कि 2x प्लस 5y इसको बराबर इधर कर लेंगे, माइनस 8 इजकल टू 0 और दूसरा दिया है 2x माइनस के वाई माइनस 3 इजकल टू 0। ये दो समीकरण है, इसमें हम लोग जानते हैं a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो चूंकि समीकरण का समाधान नहीं होने के लिए, यहां देखिए लिखा है कि कोई हल नहीं होगा, तो नहीं होने के सूत्र जो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अब इसी सूत्र में हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे। तो a1 के जगह पे कितना आया है 2 डिवाइडेड बाय a2 के जगह पे भी 2। अब b1 के जगह पे आ गया है 5 और b2 के जगह पे आ गया है माइनस के, इसको काट लेते हैं। अब आया माइनस के इक्वल टू 5, इसलिए के बराबर माइनस 5, के बराबर माइनस 5 और यही के का मान हो गया। के का मान कितना हो गया, माइनस 5 है ना। अब 3 नंबर सवाल भी देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या कहा, x और y वास्तविक संख्या हो तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x y का मान निकालना है। तो चूंकि x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ, तो चूंकि 2 या 2 से अधिक वर्गों का योगफल 0 होता है, तो अलग अलग वर्ग भी क्या होता है, 0 हो जाता है। तो चूंकि x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर x माइनस 5 बराबर रूट हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, 0 का रूट मतलब 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 5 इसका मान आया। फिर अगर हम लोग देखें कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसलिए x माइनस वाई बराबर अंडर रूट 0, इसलिए x माइनस वाई बराबर 0, x का मान रख देंगे यहां पे 5 माइनस वाई इक्वल टू 0 या माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 या बोलिए y बराबर 5, इसलिए x बराबर भी 5 आ गया और y बराबर भी 5 आ गया और यही क्या हो गया आंसर। निश्चित रूप से हम लोग बना लेंगे बहुत आसानी से, किसी तरह का असुविधा नहीं है। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं, वो देखिए गौर से क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, यही तो दिया है, बराबर के इधर 5 को कर लिया है। अब इसमें भी कह रहा है x और y का मान निकालने के लिए, तो किस तरह से निकालेंगे, या x स्क्वायर माइनस 2x को इधर कर देते हैं और प्लस 1, 5 को 1 में तोड़ देते हैं, प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस
यहाँ पे फोर बराबर जीरो, यानी फाइव को एक फोर यहाँ ले लिया, एक वन यहाँ ले लिया है। अब इसको अगर सूत्र बैठाएं तो टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर कर देंगे, उसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू वाई प्लस इसको टू का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से दोनों सूत्रों में बैठ गया है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो। चूंकि x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वर्गों का योगफल जीरो अगर हो तो प्रत्येक वर्ग भी जीरो होता है, इसलिए x माइनस वन बराबर अंडर रूट जीरो, इसलिए x माइनस वन बराबर जीरो या x बराबर वन। तथा दूसरा क्या आएगा, y प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो, इसलिए y प्लस टू बराबर अंडर रूट जीरो या y इज इक्वल टू माइनस टू, इसलिए x बराबर वन और y बराबर माइनस टू। इस तरह से इसका भी आंसर मिल गया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसको बार बार देखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।